स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। रंगों का त्योहार होली के शुभ अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने कार्यालय और आवास में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्र उपाध्यक्ष रघुवर दास ने अपने एग्रीको स्थित आवास में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इनके द्वारा उपाध्यक्ष रघुवर दास को तिलक लगाकर होली की बधाई दी गई। वहीं कार्यकर्ताओं के साथ रघुवर दास ने भी रंग गुलाल के साथ होली खेलते हुए फगुआ गीतों पर जमकर झूमे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि होली रंगों और उमंगों का पर्व है। इसके साथ ही देश के युवाओं एवं भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग और जोश पैदा करेगी, जो पार्टी के हित में होगी। इधर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपने बारीडी स्थित पार्टी कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर होली खेली और पारंपरिक गीतों में जमकर झूमे। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि यह पर्व सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। बसंत पंचमी से ही इसका आगाज हो जाता है। फागुन के महीने में मन में दबी बातों को लोग अपने तरीके से प्रकट करते हैं, जिसका कोई भी बुरा नहीं लगाता है। यह एक संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए कहते हैं बुरा न मानो होली है। इस पर्व के साथ सभी स्थिति परिस्थिति सामान्य हो जाती है और लोग फिर से सामान्य तरीके से व्यवहारिक कार्य करने लगते हैं। इसके अलावा इस अवसर पर सरयू राय ने क्षेत्र वृक्षारोपण भी किया और उन्होंने कहा कि जो भी वृक्षारोपण के लिए इच्छुक होंगे उनका पार्टी सहयोग करेगी। जुलाई माह में वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाएगा। रंगों का ये उत्सव होली पर्व के अवसर पर मैं समस्त झारखंडवासियों को के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे संघर्षशील और समर्पित कार्यकर्ताओं को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का यह पर्व हर परिवार में खुशहाली लाए, हर परिवार समृद्धशाली हो, ये ईश्वर से आराधना करते हुए ये होली ये पर्व हमारे जीवन में नए उमंग लेकर आते, नए उत्साह का लेकर आते। तो आने वाले समय में झारखंड में भी नई उमंग नई उत्साह के साथ झारखंड की जनता का फिर से सेवा करेंगे, यही आज हम सब संकल्प लिए। निश्चित रूप से चार राज्यों के जो ऐतिहासिक परिणाम आए उससे पूरा देश आंदोलित हो चुका और आप देख रहे हैं कि पूरा देश आज इस होली के पर्व के अवसर पर जमशेदपुर सहित सारे देश में होली का जो भगवा रंग आज पूरे देश के जन जन तक भगवा रंग पहुंच चुका है। होलिका दहन और होली होने में एक दिन का महत्व है, तो आज हम लोगों ने सामूहिक रूप से हम लोगों के क्षेत्र में हम लोगों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सुप्रिंटेंडेंट हैं, सभी लोगों को हम लोगों ने आग्रह पत्र भेजा है कि भाई आप आइए, आज हम लोग दो तीन घंटा होली खेलें यहाँ पर। तो इसीलिए आज ये होली खेलने का समारोह हम लोग का शुरू हो रहा है, 3 बजे तक चलेगा। लोग आएंगे, कुछ देर रहेंगे, होली खेलेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर दूसरा समूह आएगा। तो इसी तरह से आज हम लोग 3 बजे तक और ये प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों के साथ मिलकर व्यक्तिगत स्तर पर जैसे भेंट हो जाए, उनके साथ होली खेल दिया जाए, क्योंकि एक रंगों का ये त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि आदमी की उम्र कोई भी हो, जैसे जैसे होली का दिन नज़दीक आते जाता है वैसे वैसे उसके ऊपर लगता है एक कुमार छा रही है और होली आने के दिन वो अपने सर्वोच्च शिखर पर हो जाता है और होली के दिन बाद बिल्कुल सामान्य स्थिति हो जाती है। तो ये जो हमारे समाज का मनोमालिन्य ख़त्म करने के लिए हमारे काम काज से जो तनाव बन जाते हैं उस तनाव को दूर करने के लिए अपने मन के भीतर की इच्छा है, अभिलाषा है, उस अभिलाषा को हम खुल कर समूह के साथ 2, 4, 5, 10, 20, 100, 200 लोगों के साथ हम उसको बांटें। और इसीलिए ये मान्यता है कि होली में कोई कुछ भी किसी को कह देता है तो उसको बुरा नहीं मानता है, मानता है कि चलो होली है, होली के दिन सब कुछ जायज़ है,
संबंधों के आधार पर लोग गीत बनाते हैं। देव भौजाई का होता है, पति पत्नी का होता है, देवी देवताओं का होता है, तो सभी का जो शिष्टाचार है उस शिष्टाचार को निभाते हुए हम लोग अपनी भावनाओं को होली के गीत में पिरोते हैं, गाते हैं और उत्साह उमंग उल्लास के साथ होली खेलते हैं। और ये मान्यता अनेकों साल से चली आ रही है और ये मान्यता ऐसी है कि भले ही समय बदल जाए, संदर्भ बदल जाए, आपकी पोशाक बदल जाए, रहने सहने की व्यवस्था बदल जाए, पर सबके मन के भीतर होली का जो उत्साह और उमंग रहता है वह बदलता नहीं है। वह धीरे धीरे रंग चढ़ता है, परवान चढ़ता है और होली के दिन शिखर पर रहता है, फिर बाद में सामान्य स्थिति हो जाती है। तो हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हमारे पुरुषों ने इस तरह के वैज्ञानिक पर्व का ईजाद किया जिसमें बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सब एक भावना में अपने आप को आज महसूस करते हैं कि हमारे भीतर जो भी है उसको हम। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।